वो पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने उनकी जीत की खुशी में यह त्यौहार मनाया था। दिवाली मनाने के पीछे कई और भी मान्यताएं हैं, आइए आज हम इन्हीं मान्यताओं के बारे में बात करें। सबसे पहले जो कहानी है जो लगभग सभी भारतीयों को पता है कि जब मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया था, उसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा और 14 वर्षों बाद वनवास बिताकर जब राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, तभी से दिवाली मनाई जाती है। पांडवों का अपने राज्य लौटना भी इसी दिन माना जाता है कि महाभारत काल में जब कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे और उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीपक जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। एक और कहानी है राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे, उन्हें उनकी उदारता साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। जो एक सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है माँ लक्ष्मी के बारे में है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था और माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नरकासुर का वध। दीपावली का त्यौहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसके देव माता आदिति की बालियां तक छीन ली थी। देव माता आदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। तब श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। यही भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो आइए आज आप भी हर्ष उल्लास के साथ दीपावली मनाइए और साथ ही साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए कि दीपावली मनाने के बहुत सारे वजह हैं। जय हो श्री राम की, जय हो दीपावली फेस्टिवल की, जय हो भारतीय संस्कृति की। नमस्कार।